नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मेटल कोटिंग. कोटिंग्स हमने पढ़ लिया, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग. पर अब बेस मेटल को कोट कैसे करना है तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं. तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे हॉट डिपिंग. हॉट डिपिंग में क्या करते हैं, अगर हमने अपने बेस मेटल को कोट करना है तो हॉट डिपिंग इस मेथड में जो बेस मेटल होता है वो ऐसा मेटल होता है विच इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो भी कोटिंग मेटल हम यूज़ करते हैं इट इज़ द मेटल विच इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि कोटिंग मेटल को हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं और जो बेस मेटल होता है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए जैसे जिंक की कोटिंग अगर हम आयरन के ऊपर करेंगे, स्टेनम टिन की कोटिंग अगर आयरन के ऊपर करेंगे, तो जिंक और टिन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है आयरन से. तो इसको हम हॉट डिपिंग के मेथड से कोट कर सकते हैं. अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कोटिंग मेटल होता है उसको हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, और उस मोल्टन मेटल में हम बेस मेटल जो होता है उसको डिप करते हैं, और थोड़े टाइम के लिए हम उसको उसी में डिप करके रखते हैं. और थोड़े टाइम के बाद जब हम बेस मेटल को रिमूव करेंगे, बेस मेटल को बाहर निकालेंगे, तो बेस मेटल के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है जो कि कोटिंग मेटल की होती है. तो ये वाला मेथड है हॉट डिपिंग. सिंपली डिप करना है मोल्टन कोटिंग मेटल में अपने बेस मेटल को, और थोड़े टाइम के बाद जब उसको रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर बेस मेटल के ऊपर हमारे कोटिंग मेटल की कोटिंग चढ़ जाएगी. अब जब भी हम हॉट डिपिंग मेथड यूज़ करते हैं और जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक बाई यूजिंग हॉट डिपिंग दिस is known as galvanizing, and the process of coating iron with tin by using hot dipping, this process is known as tinning. मतलब जब हम आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर रहे हैं then that process is tinning. अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे हैं that process is galvanizing. बट जो method use कर रहे हैं हम that is hot dipping. हॉट डिपिंग से कोटिंग कर रहे हैं. अब सेकेंड हमारे पास जो कोटिंग करने का मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम कोटिंग कर सकते हैं, बेस मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा सकते हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सुपीरियर मेटल इज कोटेड ओवर द इन्फीरियर मेटल. मतलब हम अपने इन्फीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल से कोट कर देते हैं. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि कोरोजन से हमने बचाना है तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने कोटिंग यूज़ किया, तो फॉर प्रिजर्वेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने आयरन को जंग लगने से बचाना है तो हम उसको सरफेस को कोट कर सकते हैं और उसको जंग लगने से बचा सकते हैं. या फिर हम डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे काफ़ी सारी ज्वेलरी आती है मार्केट में विच इज़ कोटेड विद सिल्वर और गोल्ड, तो वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. या फिर रिपेयर्स में यूज़ कर सकते हैं. जैसे मशीनरी के कुछ पार्ट्स होते हैं विच कैन नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड, तो ऐसे पार्ट्स को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कोट कर सकते हैं किसी दूसरे मेटल से, और उन्हीं पार्ट्स को, उन ब्रोकन पार्ट्स को हम मशीनरी के फिर से यूज़ कर सकते हैं मशीनरी में, तो हमें उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. तो रिपेयर्स में भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ कर सकते हैं. अब मेथड आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक बाथ, एक टैंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है हम कोई सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर, और वो सोल्यूशन होगा उस मेटल का सॉल्ट जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है. मतलब जो कोटिंग मेटल होगा उसका सॉल्ट हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, उसका सोल्यूशन लेते हैं. अब एक हमारे पास होता है एनोड, एक हमारे पास होता है कैथोड. एनोड हम बनाते हैं कोटिंग मेटल का, जैसे अगर सिल्वर की कोटिंग करनी है तो प्योर सिल्वर का हम एनोड बनाएंगे, और कैथोड हमारे पास बनता है उस चीज़ का जिसके ऊपर हमने कोटिंग चढ़ानी होती है, जिसको कोट करना होता है. जैसे कप है, अगर कप के ऊपर कोटिंग करनी है तो कप को हम बनाएंगे कैथोड, और कप कैथोड कैसे बनेगा, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. और प्योर सिल्वर एनोड कैसे बनेगा, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो ये सिस्टम हमारे पास बन गया जिसमें हमारे पास एनोड बन गया प्योर सिल्वर कोटिंग मेटल का, कैथोड हमारे पास बन गया बेस मेटल का कप जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया जो सॉल्यूशन है इस टैंक के अंदर विच इज़ दी सॉल्ट ऑफ कोटिंग मेटल. जैसे सिल्वर हम कोटिंग मेटल ले रहे हैं तो इसका सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं,
और इसके बाद क्या होगा, जब भी हम करंट पास करेंगे, जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, अब एनोड बना है सिल्वर का, तो सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो एक सिल्वर जो मेटल है, मेटालिक फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, सिल्वर आयन बना देगा। और ये जो सिल्वर आयन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी, जो सिल्वर आयन है वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर सिल्वर आयन आया सॉल्यूशन में, तो एक सिल्वर आयन इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा हो गया। अब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ सॉल्यूशन में, इस नेगेटिव चार्ज ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो ये पॉजिटिव जो सिल्वर आयन था ये इस नेगेटिव कैथोड के ऊपर चला गया। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज के पास गया, कैथोड के ऊपर गया, यहाँ पर रिडक्शन स्टार्ट होगी। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज है, Ag पॉजिटिव है, इसको कैथोड पे जाके नेगेटिव चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, और इसने सिल्वर बना दिया। तो जैसे ही यहाँ पे सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बनाया, ये यहाँ पे कप के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती जाएगी, एनोड से सिल्वर जो है वो Ag पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता रहेगा, और कैथोड पे रिडक्शन होती रहेगी, जहाँ पर कि सिल्वर पॉजिटिव Ag पॉजिटिव जो है वो जाता रहेगा और सिल्वर की फॉर्म में डिपॉजिट होता जाएगा, और धीरे धीरे ये जो कप है इसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगी सिल्वर की। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास कोटिंग का मेथड आता है मेटल क्लैडिंग। मेटल क्लैडिंग क्या है, इन दिस प्रोसेस द कोटिंग मेटल इज़ बॉन्डेड आइदर ऑन वन साइड और ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बेस मेटल परमानेंटली। मतलब मेटल क्लैडिंग में हम क्या करते हैं, हम बेस मेटल के को एक साइड से या दोनों साइड से कोट कर सकते हैं अपने कोटिंग मेटल से, पर हम इसको हैवी रोलर से पास करवाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर और हीट के इफ़ेक्ट में ये प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम क्लैड शीट्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम क्लैड शीट्स का मतलब है कि हम ड्यूरालुमीन लेते हैं जो कि एक एलॉय है, और इस एलॉय के दोनों साइड, जो ये ब्लू शीट है ये ड्यूरालुमीन है, और इस ड्यूरालुमीन के अपर पार्ट पे भी और लोअर पार्ट पे भी दोनों ही साइड्स पे हम एल्यूमिनियम की क्लैडिंग करते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ाते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे हम ये ड्यूरालुमीन शीट है जो हमारा बेस मेटल या बेस एलॉय है, इसको हम पास कर रहे हैं, बेस मेटल लेते हैं या फिर जैसे हमने इस केस में एलॉय लिया है, तो इसको हम यहाँ से शीट को पहले तो क्लीन करेंगे, फिर इस शीट को आगे पास करवाएंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा हीट करेंगे। अब जैसे ही इसको हीट करते हैं, हीटिंग के साथ साथ ही इसमें से ये एल्यूमिनियम है और ये भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की शीट भी इसके साथ पास कराना शुरू कर देते हैं। तो एल्यूमिनियम की शीट इसके अपर पार्ट पे, यहाँ पे लोअर पार्ट पे भी एल्यूमिनियम की शीट, और बीच में हमारे पास ड्यूरालुमीन की शीट, ये आगे जाती है, इसकी हीटिंग होती है, और जैसे ही हीट होके ये तीनों शीट्स आगे जाती हैं, ये अपर रोलर है और ये लोअर रोलर है, इन दोनों रोलर्स के बीच से पास होगी। तो जैसे ये रोलर इन शीट को प्रेस करेंगे, तो रोलर्स से निकल के जब ये बाहर आएंगी शीट्स, तो ये दोनों एल्यूमिनियम की शीट जो होंगी इस ड्यूरालुमीन की शीट से बाइंड हो जाएंगी, मतलब उसके साथ कोट हो जाएंगी, कोटिंग कर देंगी ड्यूरालुमीन के ऊपर एल्यूमिनियम की, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम, दोनों की कोटिंग चढ़ जाएंगी। इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हमें जो शीट मिलेगी वो ऐसी शीट होगी जिसमें ड्यूरालुमीन के अपर पार्ट पे भी और लोअर पार्ट पे भी एल्यूमिनियम की क्लैडिंग हो जाएगी, एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाएगी। तो ये मेटल क्लैडिंग है। एंड बट दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर यूनिफॉर्म सरफेसेस। यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या रफ़ सरफेसेस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड इज़ मेटल स्प्रेइंग। मेटल स्प्रेइंग में हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट है मेटल स्प्रेइंग का कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेसेस। इसको इरेगुलर सरफेसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और ये वाला मेथड जो है, इस मेथड की हेल्प से हम ग्लास, वुड या प्लास्टिक के ऊपर भी कोटिंग कर सकते हैं। अब मेटल स्प्रेइंग जो होती है, ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं बाय वायर गन मेथड, और दूसरा हम कर सकते हैं बाय पाउडर मेटल मेथड।
अब वायर गन मेथड में क्या करते हैं, ये गन है, गन शेप का सेटअप है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट्स बने हैं। अब ये जो ये वाला पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट और यहाँ पे सबसे नीचे का पार्ट, ये वाला जो है यहाँ से पास करते हैं कंप्रेस्ड एयर। इसके साथ ही ये जो ये वाला पार्ट है जो रेड से कलर का है और ये वाला पार्ट है जो भी रेड कलर का है, यहाँ से हम फ्यूल पास करते हैं। एंड फ्यूल इज़ दी ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी एसिटाइलिन मतलब ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्सचर हम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का मिक्सचर लिया है तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम हम ले रहे हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्यूल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो बीच वाला पार्ट है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ से हम पास करेंगे वायर, जो कि हमारा कोटिंग मेटल है जिसकी कोटिंग हमने चढ़ानी है अपने बेस मेटल के ऊपर। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर की शीट है, ये हमारा बेस मेटल है जिसको हमने कोट करना है। एंड इट कैन बी द इररेगुलर सरफेस। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम यहाँ से बिल्कुल मिडल पार्ट से, सेंटर जो पार्ट है इसका, यहाँ से जैसे ही हम वायर डालेंगे, इसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे, और जैसे ही ये इसको बर्न करेंगे तो ये मेल्ट होगी, पिघलेगी और मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। तो मोल्टन फॉर्म में जैसे ही ये आती है तो यहाँ से अपर पार्ट से और यहाँ लोअर पार्ट से कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, तो कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से वो जो मोल्टन हमारे पास कोटिंग मेटल है वो स्प्रे होगा, और जैसे ही वो स्प्रे होगा वो बेस मेटल के ऊपर कोटिंग चढ़ा देगा। तो ये मेथड है वायर गन मेथड, जिसकी हेल्प से हम स्प्रे कर सकते हैं और अपने इरेगुलर सरफेस के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। पाउडर मेटल मेथड में क्या करते हैं, पाउडर मेटल